मुझे एक बेहतरीन शीट मिली है आईआईटी जेईई के लिए। जो प्यारे बच्चे जेईई मेन और एडवांस में बेहतरीन नंबर लेकर आना चाहते हैं, उनको मैं ये शीट सॉल्व करवा रहा हूँ। समझदार बच्चे लाइव रहकर इसको मेरे साथ सॉल्व करेंगे, मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा, कोशिश करेंगे, बना नहीं बना फिर। और कल रात को एक्चुअली अचानक दिल में ख्याल आया कि कुछ तूफानी करते हैं, तो मैं सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक सिर्फ नेचर कॉल्स के लिए ब्रेक लूंगा, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, नाश्ता और बाकी नेचर कॉल्स, नाश्ता लंच डिनर, बाकी पूरे दिन लाइव फ्री, एकदम फ्री। मेरे यूट्यूब चैनल पर क्या होता है कि बच्चे आए गए समझ में नहीं आता सामने कौन है, तो अन एकेडमी का ऐप है उस पे फ्री जो स्पेशल क्लासेस होती है उस पर मैं लाइव रहूंगा और लगातार 2-3 दिन रहूंगा जब तक ये जनवरी वाली मेंस है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, मगर अभी 1 तारीख तक मैं पूरी मदद करना चाहता हूं जेईई के बच्चों को, तो इसलिए मैं दिन दिन भर कोशिश करूंगा लाइव रहने की। मगर हाँ, जिस जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स के एग्जाम है उनको एग्जाम सेंटर लेने जाना छोड़ना, उसमें मैं हो सकता है उतनी देर फिर ना पढ़ा सकूं, तो जितनी देर पढ़ा पा रहा हूं जुड़ो मेरे साथ और पढ़ाई कर लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे एकदम इम्प्रेस कर गए, एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप जुड़ जाओ यदि सच में, क्योंकि बाद में लफड़ा हो जाएगा। और सुनो, कुछ बच्चे मालूम अभी आखिरी टाइम में भी एक चैप्टर पढ़ लूं, एक और चैप्टर पढ़ लूं, थ्योरी पढ़ लूं, उस लालच में मत रहो, उसकी जगह मेरे साथ प्रैक्टिस करो या कोई बढ़िया सा टेस्ट दे दो, अनअकैडमी से ही डाउनलोड करके टेस्ट दे दो, उनके ऐप पर टेस्ट दे दो। आप बात को समझो, क्योंकि लालच तो पूरे साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर आप लोग क्या कर रहे थे, पढ़ाई तो कर रहे थे, फिर आज ऐसी गड़बड़ स्थिति क्यों हो रही है कि एक चैप्टर और पढ़ लूं। प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो या टेस्ट लगा लगा के प्रैक्टिस करो। तो अनअकैडमी पर सुहाग कारिया सर्च करना, और यदि आप नए मोबाइल नंबर से जुड़ रहे हो तो आपको कोड पूछेगा, ओटीपी तो एक अलग आएगा, उसके अलावा कोड पूछेगा, तो उसमें मेरा कोड यूज करना, सुहाग SUHAG नंबर वाला 1 नंबर वाला 0, यानी कि सुहाग 10। और बहुत अच्छी शीट मिली मालूम, बहुत दमदार। अच्छा, एक अनुभव मेरा और बताऊं, चूंकि मैं सुबह एकदम 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तो पढ़ाता नहीं हूं, सुकून से नहा धो के तैयार होकर देर से पढ़ाते हैं, मगर दिल में इच्छा थी कि सुबह 5 से रात 11 तक पढ़ाएं, यानी कि 16 घंटे। तो मैं 4:45 बजे उठा और उठते से ही सीधा क्लास स्टार्ट करी, यानी कि नहाए नहीं थे और नींद भी थोड़ी बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि देर रात मेरे एक बच्चे को बहुत बुखार था, तो वो बहुत रो रहा था और हम उसे चुप भी करा रहे थे, बुखार उतारने के लिए पानी के पट्टियां भी रख रहे थे सिर पे, मगर वादा किया था तो मैं 4:45 बजे उठ के 5 बजे लाइव सामने आ भी गया, मगर एक थकान नींद थी, है ना। तो उस वजह से लाइन की इक्वेशन जो y-y1=mx-x1 लिखते, मालूम मैंने क्या लिख दी थी नींद में, x-x1=my-y1। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, ये ह्यूमन एरर है। तो आप लोग की नींद, आप जो दिन भर सोते हो या दिन में थोड़ी देर सोते हो और रात भर जागते हो, आप एग्जाम के ठीक 1-2 दिन पहले कैसे टाइम टेबल चेंज कर लोगे, है ना। तो ऐसा मत करिए, टाइम टेबल सही रखिए। अप्रैल वाली जेईई के पहले टाइम टेबल सुधारने के लिए आप मेरे रेसिडेंशियल कोचिंग भी आ सकते हो, क्योंकि अकेले अकेले अपन करते रहते ना, कभी कभी नहीं होता, मगर सिर पे कोई नाचे मुझ जैसा, क्या बोलते हैं उसको, झल्लाद,
तो आप लोग सुधर जाओगे और टाइम टेबल सही कर लोगे। और जितना भी पढ़ा है ना, सच बोल रहा हूँ, काफी है सिलेक्शन के लिए। एग्जाम हॉल में ऐसी गलतियां होती है ना, इसलिए बच्चे मात खाते, छोटी छोटी मिस्टेक होती है। तो एक तो मेरा अनुभव ये रहा, नींद की वजह से ऐसी गड़बड़ हुई। बाकी कुछ क्वेश्चन इतने दमदार कि देखने पर अपन को लगा कि बस ऐसा ऐसा कर लो, मगर नहीं, वो कुछ डिटेल एकदम बारीक ऐसा कंसेप्ट था जो सामान्यतः बच्चों के दिमाग में नहीं आता। और चूंकि मैं उस समय सुबह उठा हुआ था, नींद जैसी हालत में था, तो मैं भी एक सामान्य स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा था। तो मुझे जिन जिन क्वेश्चन ने इम्प्रेस किया, दमदार लगे, वो क्वेश्चन तो मैं रिपीट एक बार और आज पढ़ाऊंगा। और बाकी नॉर्मल जो पूरी शीट है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पूरे मिक्स चैप्टर के, फुल सिलेबस में से कहीं से भी कुछ भी अचानक क्वेश्चन सामने आएगा, जिससे कि आपका ब्रेन बार बार स्विच होने के लिए तैयार हो जाए। तो इस वीडियो को बार बार देखो और बात को समझो। अनएकेडमी पर मेरे साथ जुड़ो, आज पूरे दिन जम के पढ़ाई करते हैं, और आज भी और कल परसों नरसों भी 2-3 दिन लगातार आपके साथ मेहनत करूंगा। और जब जब अनएकेडमी पर नहीं पढ़ा सकते, यानी कि नाइट रात में सुहाग, कोमा है बीच में, है ना, बोल रहा हूं स्पष्ट, ध्यान रखना, रात को आकर यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। अनएकेडमी में दिन दिन में और रात में सुहाग यूट्यूब पर आएगा। अरे डन, मेरा नाम बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ मेरी रेसिडेंशियल कोचिंग का नाम ससुराल रख लेता हूँ। तो गर्ल्स स्टूडेंट जब आएंगी तो ससुराल आया करेंगी, और जब पढ़ाई पूरी करके आईआईटी सिलेक्शन करके घर जाएंगी तो कहेंगी कि हम माई के पहुंच गए। थैंक यू, मेरी बात सुनिएगा, इस वीडियो को दोबारा देखना, ऐसे ही अभी छोड़कर मत चले जाना, नहीं तो दिमाग में, सबकॉन्शियस में बात नहीं उतरेगी, लफड़ा हो जाएगा। और नीचे कमेंट करना, कमेंट अच्छे बुरे जो दिल में आ रही है बात लिख दो, मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। और प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को दोबारा देखना है, बंद मत कर देना, रिप्ले करिए, या हो सकता है ऑटोमेटिक रिप्ले हो जाए।